स्वागत है आपका। खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। 2024 के लोकसभा चुनावों में अभी समय है, लेकिन चुनावों से पहले ही राजनीतिक दलों की लड़ाई तेज हो गई है। बेंगलुरु में जहां विपक्ष दलों ने एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर देने की रणनीति बनाई, तो वहीं दिल्ली में एनडीए ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर विपक्ष को यह संदेश दे दिया कि 2024 में भी बीजेपी की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। बीजेपी के दावे आंकड़ों से मेल भी खाते हैं, क्योंकि विपक्षी गठबंधन को जहां 26 दलों का समर्थन है, वहीं एनडीए में कुल 38 शामिल हो चुके हैं। आज विपक्षी दलों पर पीएम मोदी ने जमकर शब्दबाण चलाए। अगले साल यानी 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा। विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है। इसे लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेता ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अगला लोकसभा चुनाव टीम इंडिया और टीम एनडीए के बीच होगा। पिछले कई दिनों से यूपीए का नाम बदलने को लेकर चर्चाएं हो रही थी, जिसके बाद अब विपक्षी दलों की बेंगलुरु में हुई बैठक में इसे नया नाम दिया गया। विपक्षी दलों की दो दिनों की बैठक बेंगलुरु में बुलाई गई थी। दूसरे दिन तमाम बड़े नेता इस बैठक में पहुंचे और 2024 के चुनाव की चर्चा हुई। वहीं दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की भी बैठक बुलाई गई और विपक्ष को एनडीए की शक्ति का एहसास कराने की कोशिश की गई। मगर 24 की लड़ाई के लिए जुटे इन 26 दलों पर आज फिर एक बंदा भारी पड़ गया। पीएम मोदी ने एक बार फिर विरोधियों पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने विपक्ष के महाजुटान को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन नाम दे दिया और विपक्ष का एजेंडा फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग बताया। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली बाय द फैमिली फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग। पीएम मोदी का कार्यक्रम भले ही पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन का था, मगर उनकी निगाहें बेंगलुरु पर टिकी थी और निशाने पर गांधी परिवार था। प्रधानमंत्री ने यूं तो एक एक कर तमाम विरोधियों को आड़े हाथों लिया, मगर सबसे करारा वार कांग्रेस पर किया। अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर भी तंज कसा और उनकी दुकान को भ्रष्टाचार की गारंटी बताया। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। लोकसभा की लड़ाई में एनडीए सरकार के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने के लिए पहुंचे विरोधियों पर पीएम मोदी अकेले करीब आधे घंटे तक शब्द बाण बरसाते रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हर वो सवाल उठाया जो विपक्षी पार्टियों के लिए कमजोर कड़ी साबित होते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको
कुछ ग्राफिक्स के जरिए जो आज विपक्षी बैठक हुई है उसको लेकर जानकारी साझा करते हैं और साथ ही एनडीए की बैठक भी इस वक्त चल रही है, तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं आखिरकार जो नाम दिया है विपक्ष ने गठबंधन को इंडिया, ताकत और इसकी कमजोरी क्या है ये आप समझिए। मजबूत क्षेत्रीय दल साथ में है, ताकत को अगर समझा जाए फिर अगर कमजोरी को समझा जाए तो राज्यों में एक दूसरे के विरोधी हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि सत्ता विरोधी लहर का फायदा भी हो सकता है और साथ साथ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे हैं, तो ये कुछ फायदे कमजोरी हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण भारत में शक्तिशाली है, सीट बंटवारे पर एक राय मुश्किल है, ये पेज पे फंसा हुआ है। इसके अलावा अब आपको यह भी समझने की जरूरत है कि आखिरकार जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि कमजोरी क्या कुछ है, क्या कुछ आरोप हैं, ताकत और कमजोरी को लेकर ही पीएम मोदी की लोकप्रियता ताकत हो सकती है। एनडीए के बारे में अब हम आपको ये बता रहे हैं और जो कमजोरी है वो सत्ता विरोधी लहर हो सकती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि योजनाओं को लागू करने का लाभ जिस तरह से जनता तक पहुंचाया जा रहा है वो एक ताकत है और साथ ही भारत की ग्लोबल ब्रांड वैल्यू भी है एक ताकत, दक्षिण भारत में पैठ नहीं है, ये कमजोरी एनडीए की है। तो एनडीए और साथ साथ इंडिया की कमजोरी और ताकत क्या कुछ है ये हमने आपको इस वक्त कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की।